हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं इंदिरा शर्मा रसोई मामी की मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके पास बेल आइकन बना हुआ है उसे प्रेस कीजिए ताकि मेरा हर आने वाला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही ईजी और टेस्टी दाल पकवान की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि सिंधी रेसिपी है और बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड है। इसके लिए मैंने 1 पाउंड बॉल के करीब चने की दाल ली है। ये ड्राई चने की दाल अभी आपको बता रही हूँ। इसको 2-3 पानी से वॉश करके अच्छी तरह धो के और मैंने आधा घंटा के लिए गर्म पानी में भिगो दिया और फिर उसके बाद इसे कुकर में बॉईल कर लिया। तो कुकर में इसे मैं 2 बॉल पानी डाल के और बॉईल करूँगी जब ये भीग जाएगी, और उसके अंदर कुकर में मैं नमक और थोड़ा हल्दी डाल दूँगी। तो ये बॉईल हो रही है, 3-4 सीटी आने तक बॉईल होगी जब तक हम पकवान बना लेते हैं। तो पकवान के लिए 1 बॉल मैंने मैदा लिया है और 1 बड़ा चम्मच तेल लिया है मोइन के लिए, और 1 पिंच नमक डाला है और 1 पिंच अजवाइन डाली है, और इन सबको हम मिक्स कर लेंगे दोनों हाथों से अच्छी तरह से रगड़ के। नमक भी डाल दिया, अजवाइन भी डाल दी और 1 बड़ा चम्मच तेल भी डाल दिया। तो 1 बड़ा बॉल मैदा है और इन सबको हम दोनों हाथों से इस तरह से मिक्स करेंगे ताकि सारा ऑयल एक एक कण में मिक्स हो जाए मैदे के। और अब हम थोड़ा थोड़ा नॉर्मल पानी डाल के इसे गून लेंगे, और ज़्यादा टाइट भी नहीं होगा और ज़्यादा लूज भी नहीं होगा, लेकिन रोटी से थोड़ा टाइट है। आप प्रेस करके, मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरी हेल्पर ने थोड़ा काम करवाया है मेरे से, तबीयत ठीक नहीं मेरी इसलिए। और ये मेरे पास हैं लहसुन और हरी मिर्च और अदरक और 1 प्याज के साथ मैंने ग्राइंडर जार में ग्राइंड कर लिया है इसे, और छोटी सी कढ़ाई रख दी है मैंने, छौंक लगा रही हूँ मैं। जीरा डाल दिया है, तेल गर्म हो गया है, और जो प्याज अदरक हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट बनाया था वो मैं अब इसमें डाल दूँगी। ये ग्राइंडर जार में मैंने पीस लिया है, तो इसमें सारा जार से डाल दिया, और इसे हम फ्राई करेंगे। गैस तेज नहीं करना है, मीडियम गैस रखनी है, और ऊपर नीचे इस तरह से पलटते रहेंगे और करीब 2 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन चला जाए। और अब मसाले डालेंगे। मिर्च डाल रही हूँ पिसी हुई, और ये हल्दी, और ये धनिया, धनिया का पाउडर है पिसा हुआ, और ये नमक। इसे हम सारे मसाले मिक्स कर लेंगे और करीब 2 मिनट तक धीरे गैस पे मिक्स करेंगे, और उसके बाद जार को धो के भी पानी डाल लिया है ताकि ये अच्छी तरह से रोस्ट हो जाएं। और इस तरह से कच्चापन निकल जाएगा और ये सारे मसाले इसमें एब्जॉर्ब हो गए। देखिए कितना सुंदर कलर आ गया है। और ये कसूरी मेथी भी डाल दी है मैंने थोड़ी सी क्रश करके। अब वो छोटी कढ़ाई मैंने अलग ले ली है और ये बड़ी नई कढ़ाई ली है, इसमें मैंने तेल गरम कर दिया है, जीरा डाल दिया है, और मैंने ये मैं हींग डाल रही हूँ थोड़ी सी, और ये प्याज और हरी मिर्च चॉप करे हैं, बारीक बारीक कटिंग करी है चॉपर में, तो ये भी डाल दिए, ये अलग से चॉप करे हैं। इसे भी हम इस तरह से फ्राई करेंगे करीब 2-3 मिनट तक, मीडियम टू लो गैस, लो टू मीडियम पे। और 2-3 ये साबुत मिर्च डालिए, इससे फ्लेवर बहुत मस्त आता है फ्रेंड्स।
जब सारे में एब्जॉर्ब हो जाएगी ये मिर्च का फ्लेवर तो बहुत अच्छा लगेगा। हल्दी डाल दी है पिसी हुई, मिर्च भी डाल दी है पिसी हुई, ये सब आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। आपको कम मिर्च वगैरह पसंद है तो आप कम डालिए। धनिया पाउडर भी डाल दिया पिसा हुआ, और इसे भी इस तरह से अच्छी तरह हिला के थोड़ा, और छोटी छोटी कटिंग करे हुए टमाटर हैं, दो टमाटर हैं मीडियम साइज के, वो भी डाल दिए। और ये जो मसाला छोटी कढ़ाई में हमने अभी फ्राई करा था उसमें से अभी मैं थोड़ा मसाला डाल रही हूँ ताकि इस सब में एब्जॉर्ब हो जाए। थोड़ा सा पानी डाला है मैंने ताकि अच्छी तरह सारे मसाले एक दूसरे में मर्ज हो जाएं। और इसको ढक्कन ढक के करीब 2-3 मिनट तक पकने देंगे धीरे गैस पे। ये देखिए सारे मसाले मिक्स हो गए हैं और बॉईल हो रहे हैं। और ये जो चने की दाल मैंने बॉईल कर ली थी 3-4 सीटी देके, आप देख सकते हैं कुकर में ये थोड़ी सी ड्राई होती है, एकदम रसीली नहीं होती है, लिक्विड फॉर्म में नहीं होती है। तो मैंने चने की दाल इसमें डाल दी है मसाले में सारे, और ये कढ़ाई में सब मसालों के साथ मिक्स हो गई है। बॉईल हो रही है, बस इसे 1-2 मिनट तक ही बॉईल करना है क्योंकि सारे मसाले भी सिक गए हैं और चने की दाल भी बॉईल हुई हुई है। तो ढक्कन ढक के रख देंगे। अब इसे थोड़ी दूसरी गैस पर, गैस बंद है दूसरी वाली, और अब एक दूसरी कढ़ाई रख रही हूँ मैं, इसके अंदर हम पकवान बनाएंगे। और जो आटा हमने अभी बनाया था और उसे रख दिया था 15-20 मिनट के लिए ढक के, तो उसे निकाल लिया है और इस तरह से हाथ से प्रेस करके उसको चिकना कर लेंगे थोड़ा सा ताकि वो स्मूथ हो जाएगा। और इस तरह से अब लोई बनाएंगे। छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे हम। और इस तरह से पूरी बेल ली है हमने, थोड़ी पतली सी है लेकिन ज़्यादा पतली भी नहीं है, एकदम पापड़ जैसे भी नहीं है। और कोई बड़ा सा ढक्कन ले लीजिए आप ताकि इसको अच्छी तरह से शेप आ जाए पकवान को, एकदम गोलाई में शेप आ गई। और जो एक्स्ट्रा ये आटा निकल गया है उसे हम दूसरे आटे में मिक्स कर लेंगे जो हमारे पास पड़ा है बाउल में। और इसमें हम ये चम्मच से इस तरह से छेद कर लेंगे, चाहे आप पीछे की डंडी से कर लो चाहे आप आगे से, इससे थोड़ा अच्छी तरह से होते हैं। और फॉर्क से थोड़ा बहुत लाइट होते हैं छेद, तो वो फिर बंद भी हो जाते हैं। तो इस तरह से छेद करके इसको कढ़ाई में हमने डाल दिया, एकदम पहले मीडियम गैस पे तेल गरम कर लिया था और फिर मीडियम टू लो करते जाएंगे, फिर लो टू मीडियम। इस तरह से ये पकवान कुरकुरे हो जाएंगे। और इन पकवान को इस तरह से प्रेस कर देना है ताकि ये एकदम गोलाई में बने रहें, नहीं तो थोड़े से अनशेप्ड हो जाते हैं, एकदम टेढ़े मेढ़े से हो जाते हैं, कहीं से ऊपर को हो जाएंगे कोई नीचे से रह जाएगा। देखिए कितना क्रिस्पी पकवान निकाल रही हूँ मैं प्लेट में, लाइट ब्राउन हो गए हैं और इतने करारे हैं। और ये दूसरे पकवान भी फ्राई करने के लिए डाल दिया मैंने, दूसरी पूरी भी इसी तरह से प्रेस कर लिए मैंने और गैस थोड़ी सी लो कर दी है ताकि अच्छे से करारे हो जाए, नहीं तो क्रिस्पी बना नहीं आएगा इसमें। अगर गैस तेज करेंगे तो फिर वो सॉफ्ट हो जाएंगे। एकदम लो गैस कर दिए, फिर वापस मीडियम कर देती हूँ मैं और फिर लो कर देती हूँ, इस तरह से मेंटेन करना पड़ता है।
ये एक और पकवान इस तरह से बेल लिया है मैंने और उसमें छेद कर लिया, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स सभी पकवान को मैंने इस तरह से फ्राई कर लिया है। ये भी लाइट ब्राउन हो गया है और ज़रा भी नहीं फूली है ये पूरी, आप देख सकते हैं, और तभी इसमें क्रिस्पीनेस आएगा। तो इसे भी मैं निकाल लेती हूँ प्लेट में, इतनी करारी है ये। ये बहुत फेमस स्ट्रीट फूड है फ्रेंड्स, आप कभी भी ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं या डिनर में, कभी भी कोई गेस्ट वगैरह आए तो सर्व कर सकते हैं। देखिए कितने क्रिस्पी बन गए हैं पकवान, और ये बहुत फेमस स्ट्रीट फूड हो गया अब तो। ये देखिए दाल भी हमारी बहुत अच्छी फ्राई हो गई है, कितना अच्छा लुक लग रहा है आप देख सकते हैं। अब इसे मैं सर्विंग बाउल में सर्व करती हूँ, इसमें थोड़ा सा नींबू डालेंगे तो और भी टेस्ट अच्छा लगेगा। सर्विंग बाउल ले लिया मैंने, धनिया से गार्निशिंग कर दिए। इसके ऊपर थोड़े बारीक कटे हुए प्याज है मेरे पास, ये प्याज की कटिंग डाल दी है, हरी मिर्च की भी है थोड़ी सी इसके अंदर, और हरा धनिया भी है। और इसी के ऊपर मैं ये छोटे छोटे कटिंग करे हुए प्याज के साथ मैं टमाटर भी डालूँगी थोड़े से, तो उससे लुक भी अच्छा लगेगा, टेस्ट भी अच्छा लगेगा। ये टमाटर भी डाल दिए, कितनी अच्छी दाल लग रही है अपनी। देखिए फ्रेंड्स कितने क्रिस्पी पकवान बने हैं, कितनी क्रिस्पीनेस की आवाज़ आ रही है आपको। ये सारे ही पकवान इस तरह से बना के रख लिए मैंने, सभी बहुत ही क्रिस्पी हैं। और चने की दाल के साथ तड़का देखिए, इसे सर्व किया जाता है। तो आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फ्रेंड्स।